किशोर ज्वेलर्स राजन रस्तोगी ने अपना नया लोगो लॉन्च किया। यह नया लोगो जुगल किशोर ज्वेलर्स की 165 वर्षों से चली आ रही आभूषणों की 8 पीढ़ियों की परंपरा के साथ आधुनिकता का समावेश का परिचायक है। हॉलमार्क गोल्ड ज्वेलरी, प्रमाणित डायमंड ज्वेलरी व सिल्वर ज्वेलरी का कारोबार करने वाले जुगल किशोर ज्वेलर्स समृद्ध परंपरा को आगे बढ़ाने वाली 8वीं पीढ़ी है। जुगल किशोर ज्वेलर्स राजन रस्तोगी के सीनियर पार्टनर राघव रस्तोगी ने लोगों के विषय में जानकारी देते हुए बताया कि लोगों में दिख रहा पेंडेंट उनकी 8 पीढ़ियों से सजोई हुई धरोहर है, जिसमें उन्होंने समय के साथ परिवर्तन को देखते हुए बदलाव किए हैं। श्री राजन रस्तोगी ने आगे बताया कि हम इंदिरानगर स्टोर में एक हाई एंड ज्वेलरी कलेक्शन का एक सेक्शन शुरू करने जा रहे हैं। यह खास तौर पर उन ग्राहकों के लिए होगा जो वैभवशाली पारंपरिक आभूषणों में आधुनिकता का समावेश पसंद करते हैं। जुगल किशोर ने अपना नया लोगो लॉन्च किया है, क्या सोच है नए लोगो को लॉन्च करने की? देखिए हमारा, मैं आपके सामने आके पूरी तरह इस परिवार है। हम लोग एक पारंपरिक ज्वेलर के तौर पर हमेशा से जो है ना प्रसिद्ध रहे हैं। आज के दौर में देखिए तो मीडिया जो है ना बहुत ज़्यादा प्रचलित है, तो लोगों में जो हमने जो अपनी पहचान को सेम रखते हुए सिर्फ उसका जो एस्थेटिक्स जो है, जो उसका सुंदरीकरण एक तरीके से आप समझिए कि जो है ना वो किया है, जो कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पे अच्छा दिखे और फॉन्ट और ये सारी चीज़ें जो है वो आज के ज़माने के हिसाब से हैं, जिससे जो यूथ जो है वो हमारे ब्रांड से जो है ना वो रेट कर सके। जिस तरह देखा जा रहा है लगातार अदर ब्रांड्स भी कुछ नया नया कर रहे हैं, लोगों को अट्रैक्ट कर रहे हैं, न्यू जनरेशन है, आपकी तरफ से ऐसा क्या नया लॉन्च करा जा रहा है? हमारी तरफ से देखिए जो हमारा आज से 164 साल पहले प्रॉमिस था, आज भी वही है कि जो भी सामान है उसकी प्योरिटी की, उसके वेट की और उसके सही प्राइस की गारंटी हमारी। मेन चीज़ ये है कि देखिए जितने भी हम नए तरीके के ऑफर्स हैं क्योंकि कस्टमर्स के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट ये कि उनको सोने की गुणवत्ता, वजन और वो किस प्राइस पे खरीद रहे हैं, इसका प्रॉमिस हमेशा 365 दिन रहता है, जिसके लिए ऑफर देने की ज़रूरत नहीं है। लोगों को बस याद दिलाने की ज़रूरत है कि क्वालिटी कम्स फर्स्ट। कुछ ऐसे होते हैं जो ट्रेडिशनल वे की ज्वेलरी ज़्यादातर पसंद करते हैं, तो उनके लिए भी क्या कुछ ट्रेडिशनल में कुछ जी देखिए ट्रेडिशनल ज्वेलरी इन द न्यू वे? जी बिल्कुल बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। अब टेक्नोलॉजी के बढ़ने की वजह से जो पहले जेवर बहुत भारी बनते थे, आज हम टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करके उन्हीं जेवरों को, ट्रेडिशनल डिज़ाइंस को जो है बहुत हल्के वेट में बना ले रहे हैं। इसका करने का रीज़न ये था कि सोने के बढ़ते रेट को देखते हुए और लोगों को क्योंकि नई नई डिज़ाइंस पसंद करती हैं, इसके चलते हुए हम हर प्रोडक्ट को जो है उसके बेस्ट पॉसिबल वेट एंड प्राइस में जो है ना वो बनाने की हमेशा कोशिश करते हैं और बनाते भी। आगे जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जाएंगी वो हम लोग भी अपने बिजनेस में भी इम्प्लीमेंट करते हैं। अपने जो कस्टमर हैं उनके लिए क्या मैसेज करना चाहेंगे और क्या क्या नई चीज़ है आपके पास जिसकी वजह से वो आपके पास? जी सबसे बड़ी बात है कि ये जो लोगो हम लोगों ने रीडिज़ाइन किया है, इसको रीलॉन्चिंग रीडिज़ाइन कहूँगा बल्कि अपग्रेड करा है, वो ये सोच के किया है कि पुरानी टेक्नोलॉजी से नई टेक्नोलॉजी पे पूरी दुनिया बढ़ रही है, तो उसी को विरासत को आधुनिकता से जोड़ते हुए हम लोगों ने इस लोगो को लॉन्च किया है। डिज़ाइन और सारे चीज़ें वही सेम रखी हैं, इसमें 3D इफेक्ट लेके थोड़ा सा इम्प्रूव किया है, जो कि समय की मांग है। अब जैसे आज की तारीख में जो सबसे बड़ा चैलेंज है कि हिंदुस्तान के अंदर मैक्सिमम लेडीज़ वर्किंग लेडीज़ हो गई हैं, गर्ल्स, तो उन लोगों का वेयर जो आउटफिट्स हैं वो भी, उनकी ड्रेसिंग चेंज हुई है, उस ड्रेसिंग के हिसाब से उनकी ज्वेलरी चाहिए। और हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमको वेस्टर्न के साथ अपनी एंशिएंट आर्ट को भी प्रमोट करना है। तो जैसे अभी हमारे यहाँ जो लड़कियाँ हैं, लेडीज़ हैं, वो 100% वेस्टर्न नहीं पहनती हैं, वो अभी कहते हैं लोग इंडो वेस्टर्न है, या आप सूट्स में आ गए, साड़ी में आ गए, अब आप वर्किंग प्लेस में हैं तो उस तरह की ज्वेलरी जो आपकी वर्क प्लेस के हिसाब से, माहौल के हिसाब से और आपकी पर्सनैलिटी के हिसाब से सूट करे और अपनी आर्ट भी आपको दिखाई, उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग डिज़ाइन करते हैं। और फिर सोना और चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, अच्छा बहुत महंगी चीज़ पहन के हर समय लोग कंफर्टेबल भी नहीं होते हैं, तो ये सारी चीज़ों की सोच में जितनी टेक्नोलॉजी ने, कंप्यूटर प्रोग्राम्स ने और हमारे बच्चों ने जो अपने नए डिज़ाइनिंग कोर्स निफ्ट और सबसे जो हुए हैं, उसका कुल मिला जुला के ये सोल्यूशन निकला है कि जिससे हम लोगों ने बहुत अच्छा फ्यूज़न कर लिया है, इसको आधुनिकता और विरासत के बीच ही सफ़र कहें, तो उसके हिसाब से हर एक की अफोर्डेबिलिटी आए और उसका शौक भी पूरा हो। हर लेडी का एक सपना होता है मैं ऐसी ज्वेलरी पहनूं जो दिखे ऐसी और मेरे बजट में भी आए,
तो हम लोग उसको ध्यान में रख के हर हर प्राइस रेंज में ट्रेडिशनल, वेस्टर्न, इंडो वेस्टर्न और इंटरनेशनल जितनी भी कॉन्सेप्ट हैं सबको बनाते हैं, अलग अलग भी बनाते हैं और सबको फ्यूज करके भी बनाते हैं, जो बिल्कुल एक अलग सलूक देता है। चैनल देशबद्ध न्यूज़ को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।